हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ का 12 अप्रैल का जो आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का, उसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, दो दो तीन तीन और पाँच पाँच नंबर के। और इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी जो पॉसिबिलिटी बनती है 100% आ सकते हैं, वो एक्सरसाइज भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट देखो, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और इसमें आपको और भी मिलेंगे, वो पाँच नंबर में आपको मिलने वाले हैं। तो सेक्शन ए है, हम पार्ट वन करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो, या आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो यहां से आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स एक्स माइनस टू प्लस का सिक्स प्लस जीरो सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इसके कितने टू इक्वल रूट्स आपको बताने, ठीक है। तो आप याद रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर रट के जाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ से कन्फर्म इक्वेशन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी वो बनती है, जैसे ये आ सकता है 9x² प्लस का 10x माइनस का 6, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, दे रखा है ये, दे रखा है रेशियो। भाई ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इससे कन्फर्म दो नंबर में आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, उसमें आप उठा के देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक्सरसाइज 7.2 में, चैप्टर नंबर 7 में 7.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ से 100% पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये आपका वैल्यू याद करने की, साइन स्क्वेयर 60 प्लस कोस स्क्वेयर 60, इसको तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ कि साइन स्क्वेयर 60 और प्लस कोस स्क्वेयर 60 को कैसे सोल्व करेंगे। देखो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 60 वैल्यू होते हैं √3/2, ठीक है, और इसका स्क्वेयर है, कर देंगे प्लस में कोस स्क्वेयर 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 होती है, और इसका स्क्वेयर, अब खोल इसको ओपन कर दो, √3 का स्क्वेयर कितना होता है 3 होता है, और 2 का 4 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 और 2 का 4, तो ऐसे एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 4, तो 4/4 कितना आएगा आंसर 1। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पाँच पार्ट है, पाँच पार्ट में से आपको पार्ट नंबर 3, 4 और 5 ये आपको यहाँ से रटने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये 12 के चैप्टर से, द लेंथ ऑफ द मिंट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बाय द मिंट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें। तो अब आती है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी से भी कन्फर्म क्वेश्चन आएगा भाई, ये दो नंबर में आया या पाँच नंबर में, ठीक है, दो नंबर में आएगा तो आपको नॉर्मली छोटा क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड पाँच नंबर में आएगा तो उसके उसके जो पॉइंट है वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल। तो देखो पहले तो टोटल मार्बल कितनी होगी, टोटल मार्बल देखो 5 और 8 13 और 4 कितना होगा 17, ये हो गया। अब वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब इनमें से एक डिब्बे में से एक कंसा या दरसा निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। अब बोला है रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड मार्बल कितनी है 5। देखो फॉर्मूला बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है, जो रेड पूछा है रेड कितनी है, यहाँ से 5 है, 5 कंचे है ना, तो 5 और बटे में टोटल कितने है 17 है, तो 5/17 क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड है वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, वाइट कितनी है 8, वो टोटल कितनी थी आपकी 17, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली बेसिक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहे। नेक्स्ट आता है आपका ये लीनियर, पहली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.6 से और 3.5 से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एक कन्फर्म आने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर जो 7 का है, कि ये एपी से, एपी से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, 5.2 रट के जाना आपको। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, एक्सरसाइज 5.2
टू, 5.3 यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर आपका एपी वाला रहेगा 5 का, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी 7 के चैप्टर से एक डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट से, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब हर बार क्वेश्चन आता है। अब आता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9, जो मेटल है उस मेटलिक स्पेयर ऑफ रेडिस, मतलब 13 के चैप्टर से है, 12 के चैप्टर से भी आता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 का चैप्टर भी, उसमें 12 एक्सरसाइज जो 12.2 है और 12.3 है, और 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गया उसमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ये देखो क्वेश्चन और में दे रखा आपका, अथवा में दे रखा है, और ये ऊपर दे रखा है क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्लोट दे रखा है ऐसे, तो ये आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन है, ये आपके 3 के चैप्टर से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी ऊपर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो देखो मेन बात आती है यहाँ पे, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, कौन से करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 का दे रखा है ना, प्रूव दैट कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो आपको यहाँ से प्रूव करना है, और ये मैं बता देता हूँ कहाँ से है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर, जो पार्ट है 10 पार्ट है, 10 में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आने है, कन्फर्म आएगा आपका ये चाहिए। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100%, तो 100% ही आएगा, चाहिए लिख लो भाई, इस वीडियो को बाद में देख लेना। ठीक है, किसी को ये लगे कि नहीं आएगा भाई, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सीख जाना, 10 में से ये लगाओ आपके एक या दो क्वेश्चन तो कन्फर्म आएंगे, एक क्वेश्चन तो भाई 5 नंबर में पक्का है, बट जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन में दे रखा है, मोड निकालना है, तो बेसिकली आपने सभी ने सीखा होगा, आपने टीचर ने अच्छे से सीखा होगा मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीडियन भी, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।